पुलिस ने फल व्यापारी का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की ये मुठभेड़ थाना कांदला क्षेत्र के गांव गंगेरू रोड पर हुई, जहां थाना कांदला क्षेत्र के रहने वाले वाजिद का 22 मार्च को उसके साथियों ने अपहरण कर सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद आज पुलिस ने व्यापारी का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 12/3/2021 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मिस्टर वाजिद जो कांदला क्षेत्र के निवासी हैं, उनका कुछ लोगों द्वारा जो है अपहरण कर लिया गया है और उनको कहीं ले जाया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल भर्ती में गठित कर त्वरित कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू करा दी गई थी। उस संबंध में यह भी बाद में पता चला कि इनको पुलिस के अति सक्रिय रवैये से जो है वो अपहरणकर्ताओं ने जो है छोड़ दिया था, और इस संबंध में जो टीमें गठित की गई थी उनके द्वारा लगातार सूचनाएं संकलित की गई, और आज दिनांक 14 तारीख को एक पुलिस मुठभेड़ में इन सारे बदमाशों को पकड़ लिया गया है और इनके पास से अवैध अस्त्र और जो घटना प्रयुक्त गाड़ी थी होंडा से वो भी बरामद कर ली गई। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि जो मुख्य साजिशकर्ता है जिसका नाम मुजम्मिल है, उसने इसका अपहरण इसलिए कराया क्योंकि मुजम्मिल को इसे पैसे वापस करने थे और इसके पास पैसे नहीं थे, तो वो चाह रहा था कि इस अपहरण के माध्यम से उसी से वो कुछ और पैसा ऐंठ ले और इसको वापस कर सके। इस संबंध में गिरफ्तारी और जो रिकवरी हुई है, इस संबंध में जो थाना कांदला पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जा रही है।